होम इन बेबी वर्ल्ड। मेरा नाम दीर्घा है और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग का 7 डेज का डाइट प्लान। और लास्ट वीडियो मैंने आईएफ पे जो शेयर किया था उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि आईएफ क्या होता है और जो ईटिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडो है उसमें आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने शेयर की थी कि आप अपनी हाइट एंड वेट के हिसाब से आपको दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें डिटेल में बताई है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो मेरी जो हाइट एंड वेट है उसके हिसाब से मुझे दिन में 1800 कैलोरीज की ज़रूरत है अगर मुझे वेट मेंटेन करना है। तो आज का जो डाइट प्लान है वो 1800 कैलोरीज के हिसाब से है। एक्चुअली मैं 1800 एग्जैक्टली नहीं बोल सकती क्योंकि एग्जैक्टली हम लोग कैलोरीज कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करें कि आपकी जो भी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप खाना खाएं और 3-4 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके हिसाब से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर आप वेट लॉस ट्राई करते हैं तो वेट लॉस हो रहा है कि नहीं, आप मेंटेन करना चाहते हैं तो हो रहा है कि नहीं। ये जो डाइट प्लान है वो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आप भी थोड़ा बहुत ट्राई करें, ऊपर नीचे करके देखें दैट इट इज़ वर्किंग वेल फॉर यू और नॉट। एक और चीज़ वो ये कि ये जो डाइट प्लान मैं शेयर कर रही हूँ ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए है, जस्ट अ ब्लूप्रिंट। आपको इसको कम्प्लीटली फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं बट आप चाहे तो अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में आज मैं खा रही हूँ टोफू जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और यहाँ पे मैंने थोड़े से नट्स ले लिए हैं, थोड़े से बादाम भिगोए हुए हैं और थोड़े से वॉलनट्स हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ एवोकाडो लिया है और थोड़े से ओट्स लिए हैं जिसको मैंने पानी में बॉईल किया था। बढ़ते हैं लंच की तरफ। तो लंच में आज मैं खा रही हूँ थोड़े से राइस और इसके साथ मैंने ली है चौली की सब्ज़ी और मैं थोड़े से सैलेड भी खा रही हूँ। जब भी टाइम मिलता है ट्राई करती हूँ कि सैलेड इंक्लूड करूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ टमाटर, कुछ खीरा और बीटरूट कट किए हैं। मूविंग ऑन टू डिनर। तो डिनर में आज मैंने बनाई है दाल ढोकली और दाल ढोकली की रेसिपी भी मैं अपने चैनल में शेयर की थी, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इनकेस अगर आपको देखनी हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी भी होती है। तो वीक में 1-2 बार मैं दाल ढोकली ज़रूर बनाती हूँ। आज के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है उपमा और इसमें मैंने कुछ सब्जियां थी जो मेरे पास कटी हुई पड़ी थी वो मैंने डाल दी। तो और सूजी भी सेका हुआ रहता है यूजुअली, तो उपमा बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ट्राई करती हूँ हफ्ते में 1-2 बार उपमा ज़रूर बनाऊँ, थोड़ा सा टेस्ट में चेंज आ जाता है और फटाफट बन भी जाता है। और उपमा के साथ यहाँ पर मैंने थोड़े से तरबूज काट लिए हैं तो ये मेरा फटाफट क्विक एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं लंच की तरफ। तो आज के लंच में मैंने लिया है थोड़ा सा सैलेड, थोड़े से राइस, थोड़ी सी दाल और यहाँ पे मैंने पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई है सूखी। एक्चुअली पालक पनीर नहीं है, पालक टोफू है। और यहाँ पे थोड़ा सा दही ले लिया है। तो ट्राई करती हूँ जितना हो सके बैलेंस खाना खाने की कोशिश करूँ, थोड़ा थोड़ा ही सही पर सारी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करूँ जितना भी मेरे पास टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं अब डिनर की तरफ जो हम सभी के दिन का लास्ट मील होता है। तो आज मैं बना रही हूँ सोया चंक्स पराठे और सोया चंक्स मेरा बहुत ही फेवरेट खाना है और इसके पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में शेयर की थी, मैंने अपने एक रूटीन वाले वीडियो में, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इनकेस अगर आपको देखना हो कि किस तरीके से मैंने बनाया है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के ब्रेकफास्ट में भी मैं खा रही हूँ ओट्स और ओट्स में मैंने कुछ गाजर डाल दिए हैं और ये टोफू है। तो मैं ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ प्रोटीन अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर इंक्लूड करूँ, या आई वुड से अपने सारे मील्स में मैं इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके। और इसके अलावा मैंने कुछ एप्पल्स ले लिए हैं और यहाँ पर थोड़े से बादाम और अखरोट हैं। मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट मील जो कि मेरा लंच है और आज मैंने बनाया है राजमा पुलाव। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, इसकी भी रेसिपी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। और ये इंस्टेंट पॉट में बनाया है तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। बढ़ते हैं लास्ट मील की तरफ। तो डिनर में आज मैंने लिए हैं थोड़े से सैलेड, ये सोया चंक्स की सब्ज़ी है, एक रोटी है और परवल की सब्ज़ी है। आज भी मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ ओट्स, इसमें मैंने थोड़े से बनाना डाले हैं और थोड़े से नट्स ऐड किए हैं, थोड़ा सा टोफू भी है। तो हफ्ते में 3-4 बार ब्रेकफास्ट में ओट्स ही हो जाता है क्योंकि एक तो बहुत ही इजी है बनाने में, टाइम बहुत ही कम लगता है एंड एट द सेम टाइम काफ़ी हेल्दी है। और आज मैं ओट्स के साथ ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी।
बढ़ते हैं अब लंच की तरफ। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं हफ्ते में कम से कम दो बार दाल ढोकली जरूर बनाती हूँ, तो आज के लंच में भी है दाल ढोकली। मूविंग ऑन टू द लास्ट मील ऑफ द डे, तो आज मैं खा रही हूँ थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी टिंडोरी की सब्जी, सैलड और ये है मेथी के पराठे। आज के ब्रेकफास्ट में भी मैं खा रही हूँ ओट्स और इसमें भी मैंने टोफू डाला है, बट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से स्प्राउट्स और यहाँ पे मैंने फ्रूट में लिए हैं ब्लूबेरीज और थोड़े से नट्स भी लिए हैं। तो मैं अपने सारे मील्स को एकदम ही सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ, बट ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करूँ थोड़े थोड़े क्वान्टिटी में। मूविंग ऑन टू लंच, तो आज के लंच में मैंने बनाया है पालक पनीर पुलाव। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एट द सेम टाइम इट्स वेरी हेल्दी और इसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मूविंग ऑन टू डिनर, तो आज के डिनर में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा दही, थोड़ी सी दाल, बीन्स की सब्जी और रोटी। तो वैसे तो दही रात में नहीं खाना चाहिए, बट मैं डिनर बहुत ही जल्दी करती हूँ इसलिए मैं कभी कभार डिनर में भी दही खा लेती हूँ। आज का ब्रेकफास्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज फॉर अ चेंज मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ और उसके साथ मैंने दो इडली ले ली है। तो मेरा सुपर टेस्टी एंड डिलीशियस ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो चुका है और ये थोड़ी सी चटनी ले रही हूँ मैं टमाटर वाली। मूविंग ऑन टू लंच, तो लंच में मैंने थोड़े से दलिया ली है, थोड़ी सी लौकी आलू की सब्जी है, ये दाल है और ये दही है। तो टाइम नहीं होता तो रोटी की जगह मैं दलिया प्रेफर करती हूँ। कमिंग टू द लास्ट मील ऑफ द डे, तो आज के डिनर में है रोटी, सोयाबीन और थोड़े से सैलेड। तो अब हम पहुंच चुके हैं डे 7 यानी कि लास्ट डे वीक का और आज के ब्रेकफास्ट में ओट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, थोड़े से एप्पल है और थोड़े से नट्स हैं। तो अगर मुझे पहले दिन याद रहता है तो रात में मैं बादाम भिगो देती हूँ, पर अगर मिस हो जाता है तो फिर मैं एज इट इज बादाम ले लेती हूँ। मूविंग ऑन टू लंच, तो आज के लंच मैंने बनाए हैं पालक के पराठे और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्लेन दही ले लिया है। नाउ कमिंग टू द लास्ट मील ऑफ द वीक, तो आज मैं खा रही हूँ डिनर में खिचड़ी और यहाँ पे मैंने खिचड़ी में थोड़ी बहुत सब्जियाँ डाल दी हैं और ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। तो ये जो आपने डाइट प्लान देखा उसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, बिना IF के भी हम यही सारी चीज़ें खाते हैं। ट्राई करती हूँ कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन की जाए और ये मैंने ट्राई किया कि एक वीक में फुल इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टी होती है, बर्थडेज आ जाते हैं या किसी फ्रेंड से मिलना होता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्किप हो जाता है। तो मैंने ये 1 वीक का इंटरमिटेंट फास्टिंग चैलेंज किया और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये तो था 1 वीक का डाइट प्लान। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ सिंपल टिप्स जिससे आपकी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की वेट लॉस जर्नी है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगी। नंबर 1 इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ को हेल्दी बनाने में, ना सिर्फ वेट लॉस जर्नी में बल्कि एक्सरसाइज से मेंटल हेल्थ डेवलप होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ट्राई करें कि आप वीक में कम से कम 4 से 5 बार एक्सरसाइज जरूर करें। नंबर 2 इज कीप ट्रैक ऑन वेट। बीच बीच में वेट चेक कर लेना चाहिए, उससे हमें आइडिया लगता है कि वेट बहुत जल्दी कम तो नहीं हो रहा या बहुत जल्दी बढ़ तो नहीं रहा। तो हफ्ते में एक बार अगर आप वेट चेक करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका वेट ट्रैक पे है या नहीं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि फोकस ऑन हेल्दी ईटिंग एंड नॉट डाइटिंग। अगर हम डाइटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं कि हमको कार्ब्स नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो वो चीजें 2, 4, 10, 15 दिन के बाद हम नहीं फॉलो कर पाते हैं। स्पेशली मेरे जैसा इंसान जो एक फूडी है, मैं कभी नहीं फॉलो कर सकती। उससे बेटर है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश करें कि जितना हो सके हम हेल्दी खाना खाएंगे, नॉट डाइटिंग की कोई चीज छोड़ देनी है बट हेल्दी चीजों में ज्यादा फोकस करेंगे। इससे आपका वेट भी हमेशा मेंटेन रहेगा जो और जो हेल्थ है वो भी हमेशा अच्छी रहेगी। नेक्स्ट थिंग इज अगर आपको कोई क्रेविंग हो रही है तो डेफिनेटली आप खा सकते हैं, बट चीट डे से बेटर है चीट मील करना। कोई मन कर रहा है कुछ भी तो एक टाइम पे खा सकते हैं और थोड़े क्वांटिटी में भी खाते हैं तो आपका जो क्रेविंग थी वो भी सेटिस्फाई हो जाता है और आपका जो वेट है वो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। नेक्स्ट टिप जो मेरे लिए बहुत ज्यादा वर्क करता है वो ये कि घर पे भी फिटिंग वाले कपड़े पहने। फिटिंग से मेरा मतलब टाइट फिटिंग नहीं है बट बहुत लूज कपड़े ना पहने, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत वेट बढ़ता है तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लगता और जब हम बाहर जाते हैं अच्छे से रेडी होकर जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि मेरा वेट बहुत बढ़ चुका है। तो अगर आप घर पे भी वैसे कपड़ों में रहते हैं, अच्छे से फिटिंग वाले कपड़े, जिससे अगर आपको थोड़ा बहुत वेट फैट बढ़ रहा है बॉडी में तो आपको आइडिया लग जाएगा, जिससे आप वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। एंड द
लास्ट टिप इज सेट रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल से मेरा ये मतलब है कि कई बार हम ऐड देखते हैं या बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि 5 दिन में 2 किलो कम करें एंड ऑल दोस। होता क्या है कि आप आराम से वेट कम कर सकते हैं अगर आप खाना एकदम कम कर देंगे, आपका वेट फटाक से कम हो जाएगा। बट उस चीज़ को क्या आप मेंटेन कर सकते हैं? अगर नहीं तो प्लीज़ वो फॉलो ना करें, क्योंकि जिस स्पीड से वेट कम होता है उसी स्पीड से वेट वापस आ जाता है। तो ट्राई करें, एक थोड़ा सा वैसा गोल सेट करें कि मुझे 3 मंथ्स में इतना वेट लूज करना है, रादर देन कि मुझे 10 दिन में पतला होना है, ताकि जो भी आप लूज करेंगे वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट हो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले स्टे सेफ स्टे हेल्दी। बाय बाय।